अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड डायरीज। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं फूड डायरीज बाय सोनिया यूट्यूब चैनल। तो ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूं क्रिस्पी क्रंची यम्मी सब रोस्ट इन KFC स्टाइल विद गार्लिक सॉस। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन इससे पहले जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। KFC ब्रोस्ट बनाने के लिए हमें जो अज़ा दरकार होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। चिकन लेग पीस, यहाँ पे मैंने 7 से 8 अदद लेग पीस ले लिए हैं। 1/2 कप दूध, 1 अदद अंडा। मसाला जात में हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लोर। तो चलिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। हम लेंगे दूध, अंडा, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, सोया सॉस, काली मिर्च, सिरका, केचप, सफेद मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि इसे खाने के बाद आप बाज़ार के ब्रोस्ट को बिल्कुल भूल जाएंगे और फिर आप होममेड ब्रोस्ट को ही प्रेफर करेंगे। अब चिकन को इसमें मैरिनेट कर देंगे। आपने चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना है दोनों साइडों से। वन बाय वन आप सारे पीसेस को मैरिनेट कर लीजिए। चिकन को मैरिनेट करने के बाद आपने इसे 1 से 2 घंटे के लिए रखना है, लेकिन अगर आप इसको 3 से 4 घंटों के लिए रखेंगे तो ये और भी जूसी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसे 1 से 2 घंटों के लिए रखने वाली हूँ। अब इसमें ऐड करें नमक। नमक को आपने लास्ट में ऐड करना है ताकि ये चिकन में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। चिकन मैरिनेट हो गया है, अब हम इसे 1 से 2 घंटों के लिए ढक के रख देंगे। अब हम चिकन की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। हमें चाहिए होगा मैदा, 2 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर, काली मिर्च, सफेद मिर्च। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन नतीज के लिए आप इसे एक दफा छान लीजिए। इस तरह तमाम मसाला जात आपस में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन मैंने यहां पे इसे बड़ी अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। कोटिंग रेडी है फ्रेंड्स। अब हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी गार्लिक सॉस।
आप जब कभी ब्रोस्ट बनाएं तो क्रीमी गार्लिक सॉस को साथ जरूर बनाया करें, क्योंकि KFC ब्रोस्ट का असल जायका गार्लिक सॉस के साथ ही आता है। इसके लिए हम लेंगे दही आधा कप, मायनीज 4 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी मजेदार सी गार्लिक सॉस रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। ये ब्रोस्ट के साथ आपको बहुत मजा देने वाली है। फ्रेंड्स, 2 आवर्स हो गए हैं, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। लेग पीसीस को अच्छी तरह कोटिंग में फोल्ड करेंगे। अब इसे ठंडे पानी में डिप करेंगे। आपने पानी ठंडा लेना है, अगर नहीं है तो इसमें आइस क्यूब्स डाल दीजिए, लेकिन पानी को ठंडा होना चाहिए। कुछ इस तरह से अब इसे दोबारा कोटिंग में फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरह से, इसी तरह आप 1 बाय 1 सारे पीसेस को तैयार कर लेंगे। चिकन की कोटिंग अच्छे से हो गई है, अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट्स फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का बहुत ही मजेदार क्रिस्पी KFC स्टाइल चिकन ब्रोस्ट विद क्रीमी गार्लिक सॉस। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने इसे जरूर ट्राई करना है, ये आपको बहुत ही मजा देने वाला है। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।